ये गुल्ली पंडित जो है आजतन अपराधी सर, 20 केस की इसकी नोट से हिस्ट्री है और ये 523 का मैंने अब इसमें पेश किया नोट से, ये नंबर 18586। मैडम इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड करवा लीजिए। एक एक पूछो 20 केस सर, 20 हां नोट 20 केस 379 चोर भी हो तो नहीं मैडम, ये कब पुराने हैं सर, ये जो है ये केसेस देख ले मैडम, जो है ये 2002 लॉटरी करता भी डराते चोरी भी करते। प्रोसिक्यूशन सर 8 अपील आंट है, 8 में से 7 बेल्ड आउट सिमिलर है मैडम। कितनी बार बोलोगे इस बात को? सॉरी सर। हाँ मेरा 4 है मैडम। कहाँ से आए हो तुम? मैं ग्वालियर से हूँ। तो तुमको हमारे वर्किंग से तो तुमको फैमिलियर होना चाहिए। एक आध बार अपीयर हुआ हूँ शिमला। तो रोज आया करो, समझा करो कैसे यहाँ पे भैंस होती है सर। कहाँ पकड़ करते हो? मैं ग्वालियर ही कर रहा हूँ सर। तो रोज आना चाहिए कोर्ट। नहीं मैं सर ट्रायल कोर्ट का काम जा रहा है। चलो पढ़ो पहला नंबर 4। पहला नंबर 4 है मैडम। हाँ अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है कि दिनांक 7/9/2009 को शाम 5:45 बजे फरियादी वनवाल सिंह रावत के द्वारा घटना ग्राम समूहा का हार पक्की सड़क अंतर्गत थाना करेरा में इस आशय की देहाती नालसी रिपोर्ट लेकर कराई कि आज दिनांक 7/9/2009 को सुबह वह अपने बड़े भाई बालकृष्ण, रिश्तेदार अरविंद रावत निवासी टोरिया, राधेश्याम रावत निवासी भासड़ा खुर्द के साथ मोटरसाइकिल से करेरा आया हुआ था एवं करेरा से वापस अपने गांव सड़ जा रहा था। उसका भाई बालकृष्ण, अरविंद एवं राधेश्याम मोटरसाइकिल से आगे जा रहे थे तथा वह उनके पीछे मोटरसाइकिल से जा रहा था। शाम के करीब 4:30 बजे समूहाहार पक्की सड़क पर पहुंचे तो पीछे से एक सफ़ेद रंग की मार्शल गाड़ी आई तथा आगे निकलकर उनके भाई बालकृष्ण की मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मार दी जिससे वह तीनों लोग सड़क पर गिर पड़े एवं मार्शल गाड़ी रुक गई। उस गाड़ी में से एक राय होकर गुल्ली रामकिशोर कट्टा लिए, महेश पंडित कट्टा लिए, मथुरा दास कल्ला पंजाब रामप्रसाद निवासी सड़, बल्लू रावत निवासी दवई, देवेंद्र सिंह निवासी भासड़ बंदूक लिए एवं सुरेश। क्यों मैडम पैरेंटी है ना? नहीं नहीं लौट से भी इसके द्वारा गोली मारी गई है लौट से, वन के लाठी डंडा इसी में आया पैर आगे देखेंगे लौट से। गुल्ली पंडित एवं सुरेश शर्मा ने बालकृष्ण की पड़ी हुई अवस्था में कट्टा बंदूक से एक राय होकर फायर किया था। सभी लोगों ने फायर करती इतना इनके द्वारा ये गिर गया। सभी ने फायर किया ना? नहीं ये दोनों ने डायरेक्ट बालकृष्ण पे एलिगेशन है टॉर्च। बालकृष्ण को गोली मार पूरा पड़ गया। निवासी खिरिया बंदूक लिए एवं मनोज निवासी सुकेता उतरे जिस कारण उसके भाई बालकृष्ण, अरविंद, राधेश्याम खेत की ओर भागे तो ये सभी लोग उनके पीछे दौड़े और फायर करने लगे थे जिससे तीनों लोग घायल हो गए थे एवं गुल्ली पंडित और सुरेश शर्मा ने बालकृष्ण के पड़ी हुई अवस्था में कट्टा बंदूक से एक राय होकर फायर किया। अब इसमें जो गुल्ली और सुरेश शर्मा दो का फायर करना बताया, सुरेश शर्मा को जो है वो एक्यूज नहीं बनाया गया। इसी आधार पर श्रीमान ने 1-8 को और एक्यूज की बेल ग्रांट की है 1-8 को। इसमें लॉटसिप 2 आई हुई पेंडिंग है, एक तो रिकॉल ऑर्डर की लॉटसिप जो है रिपोर्ट उसमें पेश हो गई है और एक इसको गुल्ली पंडित को एक अन्य केस में 1518586 है। भाई ये देखो जी लॉट, ये जितने टोटल नंबर है 28 पर्सन जी लॉट सभी ने मारा है गोली, समझे बात, फायर किया सब ने और उस फायर की वजह से ये दोनों लोग गिरे। उसके बाद इन दोनों का नाम आया गोली मारी जी। कहने का मतलब ये है कि अब वो किसकी गोली से मरा है ये तो कहना पॉसिबल नहीं है ना लौट से। प्राथमिक रूप से इनने बालकृष्ण को पड़ी ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ जी लौट, क्योंकि उन एक्यूज पर्सन्स को बेल मिल चुकी है जी लौट। ऐसा नहीं है कि बाकी सब डंडा लाठी से लैस थे जी, ये मात कट्टा से लैस थे जी लौट, सभी कट्टा से लैस थे और सभी ने फायर किया जी लौट। अब उसमें 7 लोगों को बेल मिल गई जी लौट, तो फिर इसको इसका एक्सेप्शनल केस क्यों कहलाएगा लौट से? भी आज तक अपराधी है 20 केस की हिस्ट्री लौट से, और ये अभी इसको अनेक अन्य केस में 15/9/23 को 5 साल की सजा और हो चुकी है लौट से। ये गुल्ली पंडित जो है आज तक अपराधी है सर, 20 केस की इसकी लौट से हिस्ट्री है और ये 5/9/23 का मैंने अब इसमें पेश किया लौट से, ये नंबर 18586। मैडम इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड करवा लीजिए। जी सर।
नहीं, क्रिमिनल हिस्ट्री है माय लॉर्ड, जिसमें से हमने वो भी पेश किए हैं जो एक्विटल हो गए हैं माय लॉर्ड। और कितने में एक्विटल हुआ आपको? ये एक पेंडिंग है माय लॉर्ड इस समय, बाकी सब में एक्विटल है। और 8 केसेस जो हमको कॉपी मिली वो है, बाकी सब छोटे मोटे केसेस जिनकी कॉपी पुराने हैं, जिनकी कॉपी नहीं मिली मिली। और जो रिलीज हुए हैं माय लॉर्ड जो है महेश शर्मा, उसकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री थी, इसीलिए श्रीमान ने कंडीशन दी थी कि कंसर्निंग थाने में हाजिरी दें। इसमें लॉर्ड साहब ये बोल रहे हैं कि सब में एक्विटल हो गया है, लॉर्ड साहब सजा का ऑर्डर उसमें पेश है लॉर्ड साहब? एक में नहीं हुए, एक में एक एक को छोड़ 20 केस हैं। 20? हाँ लॉर्ड, 379 चोर भी हो तुम? नहीं मैं ये कब पुराने हैं सर, ये जो है ये केसेस देख ले मैं जो है ये 2002 के लॉर्डशिप कट्टा भी चलाते हो चोरी भी करते हो। 3 केस पेंडिंग है, ये प्रेजेंट केस हो गया, 300 में सजा हुई है, 300 एक केस पेंडिंग है माय लॉर्ड जो है 302 वाला जो है। 2002 से अपराध कर रहा है, 2019 तक कंटिन्यू है। महेश शर्मा पे भी तो क्रिमिनल हिस्ट्री थी उसकी, जो बेल्ड आउट है, कंडीशन इम्पोज की थी। बताओ भाई महेश शर्मा क्या पूछ रहे हैं? जो केस पेंडिंग क्या करें बताओ, सबको बेल दे चुके हैं लॉर्ड साहब। इसमें ये बता रहे हैं सब में एक्चुअली ऑर्डर है उसका, 5 साल की सजा है लॉर्ड साहब। अरे हो गया, लेकिन दूसरी चीज लॉर्ड साहब इसमें जो है एक और आई है पेंडिंग है लॉर्ड साहब, इसकी इसका इसमें डाल देना कि हफ्ते में एक दिन जाएगा थाने में लॉर्ड साहब। ये लॉर्ड साहब 2 लोगों की रिकॉल की भी एप्लीकेशन इसमें फाइल है लॉर्ड साहब, उनकी भी ऑर्डर सरकार ने फाइल कर दिया। जो लॉर्ड साहब ने लास्ट टाइम दिया था उसमें लॉर्ड साहब चूंकि प्रारंभिक रूप से 2 लोगों की बेल हो गई थी, उसमें लॉर्ड साहब रिकॉल एक और दूसरी आई है पेंडिंग 587 लॉर्ड साहब। अरे भाई रिकॉल की क्या बात है इसमें? इसमें लॉर्ड साहब का ऑर्डर है लॉर्ड साहब, अगर ये दोबारा अपराध करते हैं ना, अपराध घटित किया ये सब बताओ। हाँ तो किया है लॉर्ड साहब, मैंने पेश किया आई ए नंबर लॉर्ड साहब जो है 18587। अरे जिनका रिकॉल लगाया है जी लॉर्ड साहब, आई प्लान नंबर 1 सुन रहा नहीं बुरी बात जी लॉर्ड साहब। भाई जिनका रिकॉर्ड लगाया है आपने कि साहब इन्होंने इन्होंने बेल के बाद फिर अपराध किया है, उनका कंसीडर करेंगे आप ये एप्लीकेशन को? ये लॉर्ड साहब चार अगर ये अपराध करेगा तो उसके भी कान पकड़ेंगे लॉर्ड साहब। ये तो बहुत बड़ा अपराधी, अगर ये निकलेगा लॉर्ड साहब तो फिर दोबारा से अपराध होगा लॉर्ड साहब। इसी के द्वारा मेन उसमें एक्यूज लॉर्ड साहब यही है, और इसके ऊपर 20 केस लॉर्ड साहब 302 307 के भी कम से कम 8-6 केस हैं 7 लॉर्ड साहब इसके ऊपर। और अभी लॉर्ड साहब ये लेटेस्ट लॉर्ड साहब इसको जो है 2023 में सजा फिर हुई है 5 साल की एक केस में, ये कह रहे हैं। बाकी लोगों को बेल मिल कैसे गई भाई? वही लॉर्ड साहब इसमें स्टेज पे पहले डंडा वालों की लॉर्ड साहब बेल हुई थी, लॉर्ड साहब ने लास्ट ऑर्डर ये लिखाते कहा था कि बोले अब चूंकि मैं बेल दे चुका हूँ इसलिए मैं इनको भी बेल दे रहा हूँ, और चूंकि इनका एलिगेशन इन पर सिर्फ इतना है कि ये लोग उसमें साथ में फायर करते हुए भागे, इस पर एलिगेशन ये कि पड़ी हुई अवस्था में उसने गोली मारी, अन्य पे एलिगेशन लॉर्ड साहब ये कि वो फायर करते हुए भाग गए, इस पे ये कि बालकिशन जमीन पे गिरा, इन्हें गाड़ी से टक्कर मारी। जब मेडिकल पढ़ो उसकी मेडिकल कितनी क्या है, मेडिकल रिपोर्ट क्या है? ईडब्ल्यू 12 नहीं नहीं मेडिकल वो एग्जिबिट क्या है ये देखो, उसका पोस्टमार्टम देखो जरा मैडम। सिंगल इंजरी है मैडम। अरे 15-16 बाद में करना तो रिकॉर्ड लिखा हो जाएगा। दो चीज़ें बताओ मेरे को तो, कि जो गोली उसके शरीर में मिली उस गोली का क्या वो फॉरेंसिक हुआ क्या सर? वहाँ पे एम्प्टी कैप्सूल पाए गए क्या? कैप्सूल पाए गए क्या? कोई गोली बॉडी के अंदर मिली या बॉडी निकली है गोली तो वहाँ गिरी हुई मिली कहीं पर? ये क्या है किसका? इससे सर जो है कोई फायर आर्म रिकवर्ड ही नहीं हुआ है, महेश शर्मा से हुआ था वो बेल्ड आउट है, महेश शर्मा से हुआ है। अब बताओ उसको 25 आर्म्स एक्ट में कन्विक्शन भी था, रिकवरी है नहीं, एलिगेशन भर है कि उसने गोली मारी, और गोली मारने का एलिगेशन सब पे है, इसीलिए उस पर कंडीशन डाल सकते हैं कि हफ्ते में रोज हफ्ते में एक दिन जाएगा, पोछा ओछा लगवा दें इससे थाने में, कहो तो वहाँ कह दें कि वहाँ पर डोमेस्टिक हेल्प का काम करेगा ये, फिर कहीं पिटीशन ना आ जाए ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। क्या करें ब्रदर? अब वो चलाई सबने है गोली,
और इससे रिकवरी नहीं है किसी कट्टे की। इसको रोड से गिरी हुई अवस्था में इसको गोली मारना आन पे सफल महाराज जी लोट। तो अगर गिरी हुई अवस्था में मारी है गोली तो कितनी गोली लगी? तो वही लोट से गोली तो इसी गोली के द्वारा मारी हुई गोली तो लगी। क्या टेलीस्कोप से देख रहे थे क्या? नहीं लोट से जो आया है लोट से उसमें रिकॉर्ड की बात करते हो। इसके अलावा लोट से अरे जो रिकॉर्ड में होते देखेंगे रिकॉर्ड में लोट से इसी को गोली मारना बताया लोट से। हे महाराज और ये आज तक लोट से अपराधी है और आते ही अपराध फिर करेगा लोट से। रिकॉर्ड में से लोगों ने गोली मारी गिर गए तीनों। नहीं लोट से गोली मारने से नहीं गिरे लोट से ये मोटरसाइकिल घबरा गिर गए। मोटरसाइकिल से टक्कर पे टक्कर मारी लोट से गाड़ी के बाद है इन्होंने फायर सबने फायर किया है। मोटरसाइकिल से टक्कर मारने के बाद गिराया लोट से उसके बाद गोली। बहुत अच्छी बहस करी लेकिन तुम्हारी बहस पे दम नहीं। और लोट से इसमें दूसरी आई है मेरी पेंडिंग है लोट से 4-10 से। आदेश किया था उसमें 11-10 में उनको रिप्लाई फाइल कर गवर्नमेंट ने रिप्लाई फाइल कर दिया लोट। हाँ तो आने दो ना उसमें आ चुका है लोट से। दो लोगों को जो है रिकॉल का लगाया था ऑर्डर उन्होंने पुनः अपराध गठित किया लोट से। तुम कहाँ के वकील हो बताओ पहले? चार बार बोल चुके थे जी लोट तुम्हारी रिकॉर्ड की दरखास्त सुनी जाएगी जी। दूसरे पक्ष के पार्टी को आने दो केस उस आई पे लगा नहीं है आज सुनेंगे उसको भी सुनेंगे। लगा है लोट से उस आई पे भी आज लगा है। कौन वकील साहब है बताओ? मैंने रिप्लाई फाइल कर दिया उसमें। हाँ तो आप बहस करो उसमें फिर लगाओ भाई इसको कल लगा दो मुकर परसों। ये तो आज इनका इनकी कल परसों साथ में देख लें क्या रिकॉल के साथ ही देख लें उनका जो जिनों की बेल हुई है उसका उन्होंने कैंसिलेशन। महेश की भी रिकॉल लगाई है क्या? लगाई महेश की अपलैंड नंबर 1 और अपलैंड नंबर 6 की रिकॉल लगाई लोट से। उन्होंने पुनः अपराध घटित किया और उसकी चार्जशीट भी पेश हो गई लोट से। तो मैं वही कह रहा हूँ महेश और जो दूसरा वाला है उसने चूंकि बेल ग्रांट होने के बाद अपराध किया है जी लोट तो ग्राउंड बनेगा आपका जी लोट। लेकिन इसने कोई अपराध किया क्या अभी तक? तो जेल ही में है ये तो। जेल में लोट से 302 के 3 केस है लोट से इस पे। 302 के 3 अपराध हैं इसके। हाँ तो तीनों में सजा हो गई क्या? नहीं सर एक्यूटल लगाई है कॉपी से। मैं सर एक पेज की है 307। देखो आप सरकारी वकील हो आप इनकी बातों पर ज़्यादा प्रभावित ना हो। आप वो बहस करो जो रिकॉर्ड कहे। जब देखो आपको इस बात का पता है सुन लो पूरी बात भाई। आदमी के खिलाफ 10 मुकदमे फाइल हो गए वो पब्लिक ऑर्डर के लिए सफिशेंट है कि उसको निकाल बाहर करो या इसमें बंद करो राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम बंद कर दो प्राइवेटरी ऑर्डर्स में। लेकिन अदरवाइज जहाँ पे FIR हुई है ट्रायल हुआ है तो वहाँ से देखना पड़ेगा ना कि एक्यूटल हुआ है कि नहीं हुआ है। सर इसका स्टेटस मंगवा लेते हैं क्योंकि 302 के 3 अपराध है 307 के भी अपराध है 399 के भी अपराध है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जितने अपराध बता रही हो उन सब केसेस में क्या हुआ? सर वही कह रहे हैं टोटल हो गया क्योंकि दो एक ही इसका भी स्टेटस में मंगवा लेती हूं कि 302 के जो अपराध है उसमें इसकी क्या स्टेटस है। हाँ क्या आप बताइए क्या स्टेटस है? सिर्फ 307 में कन्विक्शन है 302 का मैंने एक्यूटल का पेश किया है एक पेंडिंग है बाकी कोई पेंडिंग नहीं है सर। मैंने पेश किया है मैलॉर्ड एफिडेविट भी पेश किया है। तो 2009 से तुम गिनवा रही हो नंबर केसेस को 2009 से 2009 से लेके 2024 तक कितने केस में उसको सजा हुई है? लॉर्डशिप केवल एक केस में सजा हुई है 307 में बस 302 लॉर्डशिप ये एक 302 पेंडिंग है लॉर्डशिप नो लॉर्डशिप नहीं हुई नहीं लॉर्डशिप लॉर्डशिप 2 दिन का मुझे समय दे दीजिए मैं पूरी वो देता हूँ सर। परसों बहस कर लूँगा सोम मंडे को फिर बहस कर लूँगा लॉर्डशिप इसमें। देखो ऐसा कर मैं इसके पूरी लॉर्डशिप स्टेटस में नंबर 1 नंबर 2 महेश ने बेल मिलने के बाद फिर ऑफेंस किया है जी तो उसकी दरखास्त हम लोग परसों कंसिडर करेंगे। कौन वकील है उनका? लॉर्डशिप साथ में। हाँ तो आप बहस कर दो आज। नहीं सर मैं नहीं उसमें ये अपीयर होंगे सर। आप करो बहस दो तीन दिन में तो मंडे को रख दे मैं कर दूँगा आज ही रिप्लाई फाइल करिए क्या दिक्कत है? लगा तो है आपका रिप्लाई पेश है आप बहस करो। चलो उसमें बहस कर दो सर मेरे वाले में अभी बैठ जाओ। चलो पहले महेश की बहस सुन लें पहले। हाँ कहाँ है आपकी रिकॉलिंग दरखास्त कहाँ है?
अप्लाई नहीं है। दरखास्त आई नंबर क्या है आपका? 18587 डॉट से 18587 87 रुपये 4/10/23 का लोट। नहीं रिकॉल दरखास्त कहाँ है? आइए लगा है क्या? ये देखो भाई आज किस आइए पे लगे हैं? है? हाँ वो दिखाओ, वो आइए दिखाओ उसकी। ये है 18527 लगा है। ठीक, इनको बेल कब मिली थी? 4/9/23 को बेल मिली। अच्छा 4/9/23 को मिली है इनको। ठीक है, हाँ अब बताओ क्या इसमें, क्या आपका आईए नंबर, आईए में क्या कहा है आपने? दिखाओ किस पैराग्राफ में क्या कहा है आपने? बताइए वकील साहब। हाँ बताइए, इसका पैरा नंबर 3 है रोड से भाई का, पहला नंबर 2 है रोड से। इसमें तो ऑर्डर बताया गया रोड से, जो ऑर्डर जो है किया था 4/9/23 को, उसमें था इट इज क्लैरिफाइड दैट इन केस ऑफ द अपीलेंट कमिट एनी फर्दर ऑफेंस विद द कंप्लेंट में द कंप्लेंट एंड द स्टेट वुड बी एट लिबर्टी टू सीक कैंसिलेशन ऑफ दिस रेगुलर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ग्रांटेड टू द अपीलेंट। ठीक, इसका नोट करते पैरा नंबर 3 है। अभिलाषी क्रमांक 1 महेश शर्मा, अभिलाषी क्रमांक 6 मनोज शर्मा को माननीय न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किए जाने के उपरांत अपराधी क्रमांक 1 महेश शर्मा, अपराधी क्रमांक 6 मनोज शर्मा द्वारा पुनः फरियादिया के पुत्र के साथ घटना कारित की गई है, जिसके संबंध में फरियादिया के पुत्र मनोहर द्वारा 28/9/2023 को पुलिस थाना कैरेरा जिला शिवपुरी में अपराध क्रमांक 682/23 अंतर्गत धारा 341, 294, 335, 634 दर्ज किया गया। इसमें रोड से चार्जशीट पेश हो गई है, शासन का रिप्लाई से फाइल किया। 323 का मुकदमा है। यस सर। 341, 294, 333 मार्केट की रोड से उसको पकड़ लिया था रास्ते में। अच्छा अच्छा, ये भैया की रोड से मैंने सुनी। बस और कोई घटना घटी इसके बाद? नहीं रोड से नहीं घटी ना। अच्छा, चार्जशीट पेश हो गई। इसका बताओ, ये जो दूसरा वाला है ये अपीलेंट नंबर 6 मनोज शर्मा, साथ ही एक ही दिन में की घटना है। 3 आरोपी हैं इसमें। भाई तुम ही बैठ जाओ ना, नहीं तो फिर भी कन्फ्यूजन होगा उसमें। महेश शर्मा ने और मनोज शर्मा ने दोनों ने मारपीट करी ना। और 3 लोग थे, एक और है बिन्ना शर्मा, वो इसमें मतलब अपीलेंट नहीं है। वो 3 लोगों ने कभी नाम, उसका नाम लिख देते एक बार। नाम रोड से उसका तो कैंसिलेशन में कैसे आएगा? इसमें एफआईआर में है रोड। क्यों झापड़ मारा तुमने उसको? भाई जब जान रहे हो कि 440 का करंट दौड़ रहा है, तभी तुम्हें छू लिया। लॉर्डशिप झूठी घटना है लॉर्डशिप, और जिसके खेत पे घटना होना बता रहे हैं उसके बयान भी नहीं लिए हैं लॉर्डशिप। उसने अपना एफिडेविट भी फाइल किया, 482 फाइल किया है इसमें लॉर्डशिप, और मैंने एप्लीकेशन भी दी थी। जवाब कहाँ है आपका लॉर्डशिप? जवाब और उसमें लॉर्डशिप पेज नंबर 9 पे मेरे रिप्लाई के साथ मैंने एप्लीकेशन भी दी थी आईजी को, तो उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा था कि इसमें इन्वेस्टिगेशन दोबारा से किया जाए, लेकिन इनका पॉलिटिकल इतना इन्फ्लुएंस है लॉर्डशिप, बिना किसी जांच के चार्जशीट फाइल कर दी गई लॉर्डशिप। आपने रिप्लाई में कहाँ क्या कहा बताइए लॉर्डशिप? ये कहाँ का मुकदमा है ये? करेरा का लॉर्डशिप। ग्वालियर शिवपुरी। हाँ पढ़ो भाई क्या। पैरा नंबर 3 है लॉर्डशिप। क्या लॉर्डशिप? इन बिटवीन है लॉर्डशिप। ड्यू टू पॉलिटिकल राइवली प्रेशर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कंप्लेनेंट्स रिलेटिवली नेमली रणवीर जाटव एक्स एमएलए फ्रॉम द पैराट 3 में कहाँ से पढ़ रहे हैं लॉर्डशिप? बीच में से लॉर्डशिप, आफ्टर 5-6 लाइंस। अरे बीच से काहे पढ़ रहे हो? पढ़ो। That it is also required to mention here that नीचे ऊपर पढ़ो लॉर्डशिप। It is also required to mention here that the appellant is residing at the village Dabri Pamri PS Badwani district Datia, which is approx 40 kilometers of Karera. Due to enmity of false case has been registered on the basis of false and frivolous grounds for the appellant approach to the higher authorities for seeking fair and impartial investigation lordship।
and directions also been given. A copy of letter dated so and so as filed by annexer R1 Lordship. But due to political rivalry, pressure and influence of complainant's relative, namely Ranveer Rawat, ex-MLA from the local constituency, he is having power and well connection. Due to that reason, the case has been registered, Lordship. कोई इंजरी नहीं है लॉर्डशिप चलो हो गया और कुछ कहना है लॉर्डशिप मुझे दो दिन का समय अगर दे दें इसमें तो लॉर्डशिप मंडे को इसको लगा दें क्यों क्यों क्योंकि लॉर्डशिप इसका रिकॉर्ड जो अब नाउ यू आर आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ विद द केस क्योंकि ये आइए क्रिएट कर देना ये इन कंडीशन रिकॉर्ड करते हो सबमिशन पे देखते हो जो कैंसिलेशन वाली है उसको बेल दे दो जिसका बेल लॉर्डशिप मेरी एक आईए पेंडिंग है लॉर्डशिप पीएस चेंज करने की लॉर्डशिप